हेलो हेलो सेंटिनी होगी।
अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल ठीक। वो एक्सटेंशन की थी ना, पेपर सबमिशन की। हाँ वो AM PM का इशू हो गया था, वो मैंने भी करेक्ट कर दिया, मुझे भी कॉल आई थी। ये मंडे वाला थर्सडे वाले थर्सडे 8:30 तो वो तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? ओके हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम, डू यू हियर मी? अच्छा आप लोग काइंडली 2-3 मिनट का वेट कीजिएगा, मैं आपको अभी ज्वाइन करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, डू यू हियर मी? ओके यू कैन टेक पार्ट इन द चैट सेशन एज वेल। ठीक है, इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस यू विल बी पुट योर क्वेरीज इन द चैट सेक्शन एज वेल। राइट, आई हैव ओपन द चैट बॉक्स विद अलॉन्ग विथ मी। ठीक है, कोई भी अगर आपको क्वेरीज होंगी तो ठीक है। सो डू यू सी द स्क्रीन?
हेलो सलाम वालेकुम। Okay, I'm audible to you. Do you listen me clearly? And the screen is clear to you? All participants are there? Okay, class, if you have seen the screen, okay. Okay, if someone is here on the joining mode, then if you have any queries, if you want to say something, if you want to put your comment and view, so you will be use your chat session as well. इससे हमारा जो है communication एक strong रहेगा. And the first half, you have to be delivered the topic. And then the second half, we will take the QA session, question answer session. All right. उसमें फिर हम आपसे की जो questioning होगी उसको हम discuss करते जाएंगे. तो class, this one is the content. और ये इसकी मैं आपको आज book से इसको explanation देता हूँ. उसके बाद second half में इंशाल्लाह फिर मैं आपको उसके बाद इसका जो chunk है, यानी slide form में जो PPT slides है, वो मैं आपके साथ जो है वो पे शेयर करूंगा. तो फर्स्ट हाफ में हम जो है वो बुक की डिटेल रीडिंग के साथ जा रहे हैं. कोर्स आउटलाइन जो मैच करना था मुझे, इसलिए आपको हम यहाँ मूव कर रहे हैं कि हमारा जो कंटेंट नंबर है KUBS का, आई थिंक कंटेंट नंबर 3 है, लैंग्वेज इन डेफिनेशन, जिसके अंदर हमारे पास कवरेज होती है कि टाइप्स ऑफ डेफिनेशन एंड देयर यूजेस एज वेल एज इमोटिव न्यूट्रल लैंग्वेज. ये दो क्वेश्चंस जो है आप देखेंगे, द फंक्शनल लैंग्वेज, चार कंटेंट्स हैं जो आपके KUBS में मेंशन है. तो वो चैप्टर नंबर 3 से एक्सट्रैक्ट किए गए अरविंद कूपी की. ठीक है, ऑल आर देयर, ऑल आर देयर, ऑल पार्टिसिपेंट्स आर देयर हियर, राइट? मोहम्मद अनस इज वेटिंग, सेफ वेब इज आल्सो वेटिंग. अच्छा जी, मदद फातिमा, वलीद खान, अनस, सोबिया, ओके फाइन. So now we are going to cover this topic. It's quite simple. The topic is language, and language in the definition. So now the question is that what is the function of language and how the language perform? So I told you that we have two proposition in logic, affirmation or negation. यानी या तो हम किसी चीज को accept करते हैं या फिर हम reject करते हैं by the statement of claim. Here is other multiple functions of language are there. Why we are speaking? Why we are using the language? The answer is that to inform, to communicate, to instruct. To express the emotion, to express the inner thoughts and belief. So these are the language function, right? And we are here to present you the some functions like informative, expressive, directive, ceremonial, performative. We have to pick like one by one. The first one is informative. In informative function, what we do? The book author said that. We use a language for dissemination of information. ठीक है, हम एक बात को, एक डाटा को दूसरे डाटा मुंतकिल करने के लिए हम ये इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफर करते हैं. इसी तरीके से एक्सप्रेसिव, जो एक्सप्रेसिव ऑफ इमोशन हो, एक्सप्रेसिव ऑफ योर थॉट्स, बिलीव्स एंड वैल्यूज हो. इसी तरीके से द थर्ड वन इज डायरेक्टिव. अच्छा, डायरेक्टिव क्या है? ये इंस्ट्रक्टिव होती हैं,
कि आप एक इंस्ट्रक्शन देते हैं और इसके साथ साथ जो है वो आपने अपने जो कॉमन टाइप ऑफ यूजेस हैं और अदर मेंशंस हैं यहाँ पे कि जैसे कि सेरेमोनियल लैंग्वेज। अच्छा जी, सेरेमोनियल लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो हम सेलिब्रेशन के लिए या फिर जिसको हम एक्सप्लेनेटरी भी कहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन है। इसी तरह परफॉर्मेटिव, यानी व्हेन आई सम परफॉर्म सम एक्शंस, ठीक है, तो ये लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, जैसे आई कॉन्ग्रेचुलेट यू, आई एक्सेप्ट योर ऑफर, आई प्रॉमिस यू, आई अपोलोजाइज फॉर माई फुलिश रिमार्क। सो दीज आर द फंक्शनल लैंग्वेज, इंफॉर्मेटिव, एक्सप्रेसिव, डायरेक्टिव, सेरेमोनियल, परफॉर्मेटिव, ठीक है, दीज आर द फाइव बेसिक फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। मेनी मोर फंक्शंस आर देयर, अगर हम उसको बुक को देखेंगे, ऑथर को देखेंगे, तो ऑथर यही कहता है कि नॉलेज है वो परफॉर्म ही नहीं हो सकती उस वक्त तक जब तक हम इन सारे फंक्शंस को परफॉर्म ना करें। तो हमने इसमें देखा है कि ये जो आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, ये जो आर्ग्यूमेंट है बेसिक सिंपल सा आर्ग्यूमेंट यही है कि यहाँ जो फंक्शन ऑफ लॉजिक है वो अफर्मेशन के लिए है, निगेशन के लिए, स्टेटमेंट ऑफ क्लेम को एक्सप्रेस करने के लिए, और हमारी जो मीडियम ऑफ नॉलेज है वो भी पॉसिबल है सिर्फ सिर्फ लैंग्वेज के जरिए। इसके अलावा अब यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस दिए हुए हैं इन्होंने कि कुछ इमोटिव होते हैं, कुछ इंफॉर्मेटिव होते हैं, कुछ सेरेमोनियल्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे बहुत सारी, जैसे इफ आई स्पीक इन द टंग ऑफ अ मैन ऑफ एंजल बट आई हैव नॉट लव, आई एम अ नॉइजिंग कॉम और अ क्लैंगिंग ट्रेम्बल, तो ये बेसिकली एक्सप्रेशन है, ठीक है। इस तरह से अमेरिकन लव इज अ पावरफुल सॉल्वेंट, इट सीम्स न्यूट्रलाइज एवरी इंटेलेक्चुअल एलिमेंट, हाउ एवर टफ एन एलियन इट मे बी, एंड डिफ्यूज इट इन नेटिव गुडविल, कंप्लेंसी, थॉटलेसनेस, ऑप्टिमिज्म। ये जॉर्ज सेंथियाना एक फिलासफर है जो एक अपनी कोट मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये बेसिकली यहाँ अगर हम देखें तो वो एक एक्सप्रेशन दे रहा है, ठीक है। इस तरह बहुत सारे यहाँ पे जो, जैसे एक और लाइन हम देखते हैं सेकंड वन, जजेस डू नॉट नो हाउ टू रिहेबिलिट क्रिमिनल बिकॉज नो वन नोज। अब ये क्या है, ये जो ये एक स्टेटमेंट है, यानी वी आर यूजिंग द लैंग्वेज फॉर डिलीवरिंग सम इंफॉर्मेशन, एक्सप्रेसिंग सम इमोशंस, समटाइम दीज आर द परफॉर्मेटिव फंक्शंस, सम आर फॉर द सेरेमोनियल वे, ठीक है। जो लोग अभी ज्वाइन करें उनको दोबारा से हम एक बार बता देते हैं कि व्हाट वी आर डूइंग द टॉपिक लैंग्वेज इन द डेफिनेशन। तो फर्स्ट हम उसको लैंग्वेज को देखेंगे और फिर उसके बाद फिर हम डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। ये अरविंद कूपी से हम इसको, इसका टेक्स्ट देख रहे हैं, उसके बाद फिर हम इसको सेकेंड हाफ में, फिर हम इसको स्लाइड शो की तरफ जाएंगे, उसको सम अप करेंगे क्या कुछ हमने किया, ठीक है, और आप अपने आउटलाइन के साथ इसको मैच कर लीजिएगा। आउटलाइन में आप देखेंगे कि चार टॉपिक्स जो हैं इसमें से मेंशन है, एक तो फंक्शन ऑफ लैंग्वेज है, फिर उसके बाद इमोटिव लैंग्वेज के बारे में है कि इमोटिव लैंग्वेज क्या होती है, और फिर डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ डेफिनेशन है। तो ये तीन से चार टॉपिक, यूजेस ऑफ डेफिनेशन, ये चार टॉपिक्स जो हैं इस चैप्टर से काफ़ी अहम है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग द फर्स्ट वन व्हिच वाज द फंक्शन ऑफ द लैंग्वेज। तो हमने क्या डिस्कस किया कि फंक्शन ऑफ लैंग्वेज क्या है, इंफॉर्मेटिव है, एक्सप्रेसिव है, इंफॉर्मेटिव यानी मेन डाटा डिसमिनेट करने के लिए, अच्छा एक्सप्रेसिव है इमोशंस के लिए, डायरेक्टिव है इंस्ट्रक्शंस देने के लिए किसी को, सेरेमोनियल होता है कि आप अपने जो है सेलिब्रेशन रिचुअल्स का यूज करते हैं या किसी को ट्रीट करने के लिए यहाँ पे फंक्शन यूज करते हैं, और एक परफॉर्मेटिव कि आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी में बहुत सारे ऐसे जो है वो एक्सप्रेशन वर्ड्स करते हैं जिसमें आप बताते हैं कि व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू। तो यहाँ पर लॉजिशियंस जो हैं वो बेसिकली, मैंने आपको बताया था कि वो प्रोपोजिशन दो मायनों में इस्तेमाल करते हैं, एक तो अफर्मिंग और दूसरा डिनाइंग, एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग, ठीक है। तो ये हमने अभी क्लास में देखा था, जो लोग अभी थोड़ा सा लेट ज्वाइन किए वो देख सकते हैं। अच्छा जी, सेकेंड वन, व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, अब ये हम एक और आर्टिकल है, ये आपका कॉन्टेंट नंबर टू भी है, कोर्स आउटलाइन का पार्ट है कि इमोटिव लैंग्वेज, न्यूट्रल लैंग्वेज और डिस्प्यूट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम देखते हैं, देखिए इमोटिव
इमोटिव मतलब जो फंक्शनल लैंग्वेज होती है, न्यूट्रल लैंग्वेज होती है, डिस्प्यूट्स होते हैं, तो इमोटिव लैंग्वेज जो है ये बेसिकली एक न्यूट्रल लैंग्वेज इन दैट सेंस के जो लैंग्वेज होती है वो तो उसका कोई एक पोजीशन नहीं है कि उसकी कोई बिलीव या वैल्यू, वो एक न्यूट्रल स्टेटमेंट ऑफ क्लेम होता है। ठीक है, अगर आप कहें कि इसके कोई एक्सप्रेशन हैं, कोई इमोशंस हैं, तो इमोशंस नहीं होते। इसी तरीके से जो वोकैबुलरी हैं, टेक्निकल टर्म्स हैं या लिटरेचर के कीवर्ड्स हैं, तो उसकी उसको जब यूटिलाइज किया जाता है किस मायने में, किस कंटेक्स्ट में, किस एटीट्यूड के साथ उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, देन दे विल गिव यू द वर्ड्स। वरना एक्चुअली जो वर्ड्स होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, या वो जो जार्गन्स होते हैं, उनके पर्टिकुलर इटसेल्फ देयर इज न्यूट्रल इन दैट सेंस। पॉजिटिविटी एंड द नेगेटिविटी वी आर एक्सप्रेस विद द हेल्प ऑफ इमोशन। और बड़ा जबरदस्त इसको, अच्छा जी, सो बेसिकली मीन्स एडमिटिंग, ओके। और इसी में एक और पॉइंट मेंशन करते हैं कि इमोशनली कलर लैंग्वेज इज एप्रोप्रिएट इन सम कॉन्टेक्स्ट, यानी जैसे कि पोएट्री, पोएट्री के अंदर एक आम सी बात को इस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है कि उसके अंदर एक इम्पैक्ट डाला जाता है। ठीक है, उसके अंदर जो है वो एक कलर फिलअप किए जाते हैं विद द इमोशन। सो वेन एवर वी स्पीक सम वर्ड इट इज रिफ्लेक्ट विद द सम इमोशन। मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स को भूख प्यास का एहसास होता है तो उसके लिए लफ्ज़ों का इस्तेमाल करेगा कि आई नीड दिस, मुझे ये चाहिए या मुझे भूख लग रही है, उसको इजहार करेगा। तो वो जो भी वर्ड्स एक्सप्रेस, गुस्सा है अगर वो फिल अप विद द फुल ऑफ रीजनिंग, तो वो उसको एक्सप्रेस करेगा इन सम वर्ड्स। तो वो अल्फाज से हमें अंदाज़ा होगा कि इसके अंदर कितने इमोशंस जो हैं वो शामिल हैं। तो यहाँ इस आर्टिकल में यही बताया जा रहा है कि इमोशंस ऑफ द रीडर्स एंड द लिसनर इज अ क्रिटिकल टेक्निक। इज ऑल्सो पुट इन द एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री। आपने देखा होगा जो टी वी सीज होते हैं उसके अंदर, या जो पॉलिटिकल कैंपेन्स होती हैं उसके अंदर, या ये जो रेटारिक होते हैं जो कि स्पीकर्स हैं, तो वो किस तरह से वो वर्ड्स के साथ जो है वो कहते हैं कि वी सेल द ड्रीम, वी गवर्न द मैन और सेलिंग द पीपल। तो ये जो वर्ड्स हैं अल्फाज खूबसूरत, उसको एस्थेटिकली एक इम्पैक्ट डाला, बेसिकली इसमें इमोशंस अटैच कर दिए जाते हैं उन लफ्ज़ों में ताकि उसका एक इम्पैक्ट रहे। ठीक है, तो ये जो बहुत अच्छा सा, ये जो पूरा जो एक आर्टिकल है वो यही बता रहा है कि वर्ड्स न्यूट्रल हैं लेकिन हम उसको इस तरह से सिंक्रोनाइज करते हैं कि उसके अंदर हम अपने इमोशंस अटैच कर देते हैं, जिससे जो ऑथर है या स्पीकर है उसकी इंटेंशन हमें समझ आती है। जी, शॉन इज एंटरिंग इन द क्लास, ओके। नाउ इज अच्छा क्लास, आप जो है वो ठीक है, तो इज इट क्लियर इमोटल लैंग्वेज, यू विल बी गिव योर पार्टिसिपेशन इन द चैट सेशन। इज इट ऑल क्लियर? अच्छा क्लास, अभी हम एक सेशन एंड करते हैं और फिर हम जो है वो 15 मिनट्स में, यानी 11 पे फिर हम दोबारा से रीज्वाइन करेंगे। सेकंड हम तीन सेशन कंडक्ट करेंगे, अभी हम इसको फर्स्टली एंड कर रहे हैं और 11 पे हम दोबारा से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ओके, 11, ठीक है।